रीवा में सरेराह गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना शहर के अमहिया थाना इलाके की है, जहां एक एक्सरे दुकान के सामने एक युवक पर यह गोली चलाई गई। गोली युवक की पीठ में लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस युवक को गोली लगी वो मर्डर के आरोप में जेल में बंद था, कुछ दिन पहले ही पैरोल पर छूटा था। कोरे से बेचता है, अंदर है तब भी बेचवा रहा, चोरी चोरी बेच रहे हैं, अंदर से दे रहे हैं पन्नी में। ये विरोध करते हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोग बोलते भी नहीं तब भी हम लोग से जला रखते हैं। हमारे घर में तो तोड़ फोड़ किया, इससे पहले मारा पीटा सबको। तो क्या थाने में आपने शिकायत कर दी है? वैसे थाने वाले सब घूस देते हैं, पैसा पाते हैं तो क्या बोले। पहले तो खुलेआम करता रहा, तो चोरी चोरी करता रहा, अंदर है तब भी तो बेच रहा कोरे, उसका कोरे से धंधा कैसे बंद हो जाएगा। गांजा वो बेचे, खाना यहाँ से उसका जाए, गांजा जाए जेल में, सब तो जाता है। पीछे से दो नौजवान मोटरसाइकिल में आए हैं, पीछे से उसके ऊपर गोली मारी है और गोली इसके पीठ में लगी है, इसको भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अच्छा, बताया जाता है कि इस युवक ने करीब आज से 10 साल पहले कोई उमेश शर्मा नाम के व्यक्ति की और उसके एक साथी की हत्या की थी गल्ला मंडी के पास, और उसमें जेल में था। करीब 12 दिन पहले ये पैरोल पर छूट कर आया था और एक दो दिन उसकी पैरोल की ओर समाप्त हो गई।